आरोग्य इंटरनेशनल बीएचयू में हेल्ड हुआ है 2019, सो वी आर गोइंग देयर एंड लेट्स सी क्या हो रहा है। होते हैं अपने फैमिली के साथ, आइए, जो भी आप में है उसको आप उनको बताइए, तो वो लोग आपको मेडिसिन देंगे, कुछ प्रमोशंस करेंगे, तो आइए चलते देखते हैं क्या होता है। बीएचयू वाराणसी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये सेकेंड टाइम यहाँ हेल्ड हुआ है। तो ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कोई जैसे कि आप देख सकते हैं लंच हो रहे हैं, कहीं हम लोग भी बैठते हैं, बात करते हैं। ये सब तो कुछ ज़्यादा बड़े लोग का है लग रहा है, ओल्ड पीपल्स हैं। क्या है भैया ये सब? बताते हैं, तंसुल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। पिछले 25 सालों से हम लोग मार्केट में हैं, और सबसे पहले हम लोग चूड़ों से शुरुआत करी, चौक लाए थे, सारा ख़त्म हो गया। तो ये जो नॉर्मल पीपल हैं, ये लोग कहाँ से बाय कर सकते हैं? मान लीजिए आप, तो मान लीजिए हम लोग तो लोकल हैं यहाँ के, यहाँ जो बाहर के लोग कैसे कर सकते हैं? बीएचयू के बाहर जितने भी आयुर्वेदिक शॉप हैं सभी पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, और जैसे ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन अमेजॉन और 1MG पे उपलब्ध है पूरी रेंज, आप घर बैठे भी उसको मंगा सकते हैं। च्यवनप्राश हो गया, ये हमारा प्रीमियम च्यवनप्राश है। इसकी रेट क्या होगी? ये आधा किलो का पैक है, ये 1 किलो का पैक है। रेट क्या होगी इसका? 475 इसका रेट है, और 890 इसका रेट है। 890 भैया, ये क्या? ये क्या भैया? ये गैस की गोलियाँ हैं। अच्छा, दिखाओ इसको। अच्छा, ये चम्मच यहाँ डाली है। ये मसाजिंग किट है हमें लग रहा है। क्या भैया ये, इससे क्या होगा? एक्यूप्रेशर बॉल है ये, डायग्राम पे हो। अच्छा, एक्यूप्रेशर बॉल है। इसको कैसे यूज़ करते हैं? हाथ में दबाना है, पुश करना, बस ऐसे ऐसे। बस इसको ऐसे ऐसे दबाना है। ये पूरे जो एक्यूप्रेशर्स हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, सबको हेल्प करेगा। और ये क्या है? मसाज फुट रिंग है, मसाज फुट। अच्छा, फुट पे पहनने वाला। अच्छा, तो ये जैसे उंगलियों में काम करता है वैसे बॉडी के फुट के ऊपर काम करता है। ओ हो, ठीक है, ये हैंड का है, हैंड का से यहाँ तक के जाता है। तो मतलब बहुत यहाँ तक आता है, मतलब सब बॉडी के पेंट्स को घटाएंगे। ये कैसे काम करता है? वो सेम है, एक्यूप्रेशर। अच्छा, एक्यूप्रेशर का वो भी है। हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी हम लोग बैठे हैं बीएचयू के वीटी में। अभी मैंने आपको बताया ना कि वीटी जा रहा हूँ, तो वीटी इतना फेमस है बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ अच्छा माहौल है, बहुत शांत है यहाँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इतनी फेमस कैसे हुई। तो बात है 1916 की, जब मदन मोहन मालवीय यहाँ आए थे, वो काशी नरेश के पास गए, जो यहाँ के हैं, एज अ किंग हैं यहाँ के। उनसे मांगा कि मुझे कुछ लैंड दीजिए, मैं वहाँ पे कॉलेज बनाना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ ऐसे कहा। तो काशी नरेश ने कहा कि आप सुबह से शाम तक जितना चल, सूरज उगने से सूरज डूबने तक जितना चल देंगे, उतनी ज़मीन आपको हम दे देंगे। तो मदन मोहन मालवीय ने 1300 acres चले उन्होंने। तो भाई काशी नरेश बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत पैसे वाले हैं, समझ जाइए। तो इतना बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बहुत IIT BHU भी मैंने इस वीडियो में डाला है, आपको दिखाऊंगा, अभी देखेंगे आप। IIT BHU एक BHU में ही था, अब जब अलग हो गया थोड़ा सा, मतलब कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें, सिर्फ IITians के लिए उन्होंने दी है। तो बहुत सारा, और BHU बहुत फेमस है, जिसके लिए जो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ? BSc एग्रीकल्चर। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेमस है एग्रीकल्चर में, वो ICR से स्पॉन्सर्ड है। अभी मैं ले जाता हूँ आपको, फार्म भी दिखाता हूँ, बहुत बड़ा फार्म है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ज़रूर आइए यहाँ पढ़ने। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यूनिवर्सिटी बहुत ग्रीन है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ, बहुत एक शांत माहौल है। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन वाराणसी है। वाराणसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगा अभी आगे आते आते, पर BHU ऐसी जगह है जहाँ कभी भी आना मिस नहीं करना चाहिए। सो लव दिस यूनिवर्सिटी एंड स्टे ट्यून। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसके बाद मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं। एक मैंने ट्रिप प्लान की है वहाँ की, बांधवगढ़, वो अभी न्यू ईयर में ही मैंने प्लान की है। तो कोशिश करूँगा आपको दिखाने की।